अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक पे। हम स्टैक को देख रहे होंगे कि स्टैक होता क्या है, और उसको हम देख रहे होंगे कि अरे की मदद से वो किस तरह बनता है और लिंक लिस्ट की मदद से वो किस तरह बनता है। स्टैक की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। स्टैक क्या होता है? हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इस पे जो हमारे पास जो टेक्निक है यानी जिस किस तरह हम इस पे डाटा स्टोर करते हैं वो होती है लिफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो लास्ट पे हमारा जो कुछ भी आएगा, जो भी डाटा आएगा, वही सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, स्टैक से आउट हो रहा होगा। यानी जो हम लास्ट पे इंसर्ट कर रहे होंगे वही हमेशा स्टैक से सबसे पहले डिलीट हो रहा होगा। हमने बात की थी कि डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर और दूसरे नॉन लीनियर। तो जो स्टैक है हमारे पास वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है पहली बार। फिर एक स्टोरेज की जगह होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जिसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट कराते हैं, जिस तरह हमारे पास अरे है, लिंक लिस्ट है। लेकिन हम करते क्या है कि स्टैक के अंदर जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वही हमेशा हमारा सबसे पहले स्टैक में से रिमूव होगा। अगर हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स की बात करें तो जिस तरह हमारे पास आप देखेंगे फ्लोर पे, यानी नीचे फर्श पे अगर हम किताबों को रखें एक तरतीब में, तो जो सबसे पहले हम लास्ट जो आखिरी किताब रखेंगे ऊपर वही सबसे पहले हम उसको वहाँ से उठाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास किताबें पड़ी हुई हैं और जो सबसे एंड पे उसको हम खींच रहे हों। अगर हम उसको खींचेंगे तो ऊपर से सारी जो किताबें होंगी गिर जाएंगी, तरतीब ख़राब हो जाएगी। तो स्टैक में क्या कहते हैं, जैसे ही आप जो किताब रख रहे होंगे उसी को अगर आप रिमूव करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि स्टैक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अंदर ना दो मेन हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर, एक को कहते हैं पुश और एक को कहते हैं पॉप। ठीक है, पुश फंक्शन क्या है? पुश फंक्शन क्या कहता है कि स्टैक के ऊपर किसी चीज़ को इंसर्ट कराने को हम पुश कह रहे होते हैं। यानी आपने स्टैक के ऊपर किसी चीज़ को ऐड करवाना है, कोई इन्फॉर्मेशन रखवानी है, तो वो आप पुश की मदद से करवा रहे हैं। और पॉप क्या है जी? पॉप आपका कुछ रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। यानी पॉप का जो फंक्शन है वो आपने स्टैक में से कुछ रिमूव करना है तो आप पॉप को यूज कर रहे होंगे। यानी आप इनको इसको आम अल्फाज में कहेंगे आप डिलीट कुछ कर रहे हैं स्टैक से, तो आप पॉप की मदद से कर रहे हो। अच्छा, ये दोनों फंक्शन ना एक ही स्टैक के एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, यानी अगर जिस तरह जहाँ पे आपने किताब रखी वहीं से आप किताब को उठा रहे हैं, यानी जहाँ पे आप ऐड पुश कर रहे होंगे कोई चीज़ को वहीं से आप पॉप कर रहे होंगे। ठीक है, और जो टॉप होता है आपका, यानी टॉप जो स्टैक का होगा वो हमेशा आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा टॉप पे होगा। टॉप क्या है बेसिकली कि आपका स्टैक की एंड जो है, जहाँ पे जो आपने लास्ट एलिमेंट रखा है वो आपका टॉप है, तो टॉप हमेशा आखिरी एलिमेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें स्टैक की, तो दो तरीकों से स्टैक इम्प्लीमेंट होता है, एक एज एन अरे और एक एज ए लिंक लिस्ट। तो हम बारी बारी इन दोनों को देख लेते हैं कि अरे की तरह किस तरह इम्प्लीमेंट होगा और लिंक लिस्ट की मदद से। सबसे पहले हम बात करते हैं अरे की। अरे हमें पता है क्या है जी, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती हैं जो कि यानी साथ साथ इंडेक्सेस पड़े होते हैं। इसमें स्टैक इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है कि आप क्या करते हैं, जस्ट आप इसके अंदर कुछ ना कुछ पुश कर रहे होते हैं। तो आपके जिस तरह ये आप एग्जांपल में देखें, यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने पहले 10 ये यानी ये पूरी एक अरे थी, हो सकता है ये जीरो इंडेक्स हो और ये लास्ट पे इंडेक्स हो, मैं कह देता हूँ एन फॉर एग्जाम्पल। तो आप पहले जीरो इंडेक्स पे करेंगे, फिर वन वाले इंडेक्स पे कुछ ना कुछ इंसर्ट करेंगे, फिर टू वाले पे करेंगे, एंड सो ऑन थ्री पे, एंड सो ऑन आगे। तो जो आपका लास्ट एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो 30 है ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट था इस टाइम, तो ये आपका स्टैक का क्या है जी, टॉप है इस टाइम। ठीक है, यानी आखिरी जो आपका सबसे स्टैक के ऊपर जो सबसे ऊपर पड़ी है वो वैल्यू आपकी टॉप है। तो जब आप इस स्टैक से निकालेंगे तो सबसे पहले आपका 30 ही रिमूव होगा, ना कि 20 रिमूव हो या 10 रिमूव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टैक के अंदर हमेशा आप टॉप से ही रिमूव कर रहे होते हैं। तो अरे के अंदर आपने जस्ट क्या करने का, अरे बनानी है, उसके बाद आपने उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा के उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज को ऐड करते रहें। अच्छा, जब सबसे पहले जब स्टैक बनेगा, यानी जब हम आप स्टैक अभी क्रिएट ही कर रहे हैं, तो उस टाइम तो
अरे के अंदर कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, यानी खाली अरे है हमारे पास। तो टॉप का जो हमारे पास जो वेरिएबल होगा स्टैक के अंदर, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, -1। -1 क्यों? क्योंकि अरे हमें पता है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो वाले इंडेक्स पे कुछ ना कुछ हम स्टोर करवाएंगे, फिर वन वाले पे जाएंगे, टू वाले पे जाएंगे। अगर अरे के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि टॉप में क्या पड़ा होगा, -1 पड़ा होगा। जो जो पहला एलिमेंट होगा एम्प्टी स्टैक के अंदर वो कहाँ पे जाएगा, वन पोजीशन पे जाएगा। इस तरह फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, फिर अगला पहला जीरो वाली पोजीशन पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर वन वाली पोजीशन पे जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह चलता जाएगा जितनी हमारे पास अरे का साइज होगा। जब हमारी हमारी अरे पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, यानी उसके अंदर हमने डाटा स्टोर करा रही है, लेकिन अब हम दोबारा से कुछ ना कुछ उसके ऊपर रखवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी अरे फुल है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो स्टैक होगा वो क्या कहेगा कि आपका ओवरफ्लो हो गया, डाटा ओवरफ्लो हो गया, यानी आपके जो स्टैक का जो साइज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप उसके ऊपर डाटा मजीद नहीं रख सकते। कब तक नहीं रख सकते? जब तक आप उसमें से कुछ ना कुछ पॉप नहीं करवाते, फिर आप उसको दोबारा से उसके ऊपर कॉल कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, इस साइड पे आप देखें तो ये हमारे पास जो है 5 की एक रे है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जा रही है। सबसे पहले वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी स्टैक कह रहे हैं हम उसको, और टॉप पे -1 है। यूज़र ने कुछ इंसर्ट किया, लेट्स सपोज उसने 10 इंसर्ट किया, 10 आया, फिर उसने उसको पुश किया, फिर उसने 20 को पुश किया, 30 को, एंड सो ऑन वो करता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमेशा स्टैक के सबसे ऊपर होगी, टॉप पे होगी, ठीक है जी। तो जिस तरह वो वैल्यूज को पुश करता जा रहा है, उस तरह हमारा टॉप भी क्या करता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। पहले टॉप -1 पे था, फिर टॉप 0 पे आया, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, एंड सो ऑन। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह देंगे कि स्टैक हमारा क्या हो गया जी, फुल हो गया। वो कह रहा है कि अगर हम एक और इसमें अब एलिमेंट पुश करते हैं तो हमारे पास स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी हमारा स्टैक फुल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर मजीद कुछ और इंसर्ट नहीं करा सकते। अच्छा, पॉप ऑपरेशन क्या करता है? अगेन मैंने आपको बताया डिलीशन की तरह का हमारे पास कुछ ना कुछ एक फंक्शन होता है। ये क्या कर रहा होगा कि ये जो आपके स्टैक के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसको डिलीट कर देगा, ठीक है जी। और जब जैसे ही आप पॉप कॉल करेंगे तो आपका जो टॉप वाला जो वेरिएबल होगा उसके अंदर आप उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। पुश में आप उसमें इंक्रीमेंट कर रहे थे, टॉप में और पॉप में आप क्या कर रहे थे, उसमें डिक्रीमेंट कर रहे थे। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्टैक है वो एम्प्टी है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, और आप उसके ऊपर पॉप फंक्शन कॉल कर देते हैं, तब उस केस में आप कह रहे होंगे कि आपका डाटा अंडर फ्लो जा रहा है, मतलब कि आपके पास डाटा ही कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, पॉप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने पीछे कंटिन्यू किया। अब वो क्या कर रहा है, उसमें से पुश का फंक्शन सॉरी पॉप का फंक्शन लगा रहा है, उसमें से वो एक एक करके डिक्रीमेंट करते जा रहा है। टॉप पहले उसने 50 को डिलीट किया, फिर 40 को, 30 को, 20 को, 10 को, सबको डिलीट कर रहा है। इस तरह टॉप में वो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है। अब ये जो इस केस में अगर आप उस पर दोबारा पॉप कॉल करेंगे तो अब वो आपको एक मैसेज देगा कि आप इसके ऊपर पॉप नहीं कॉल कर सकते क्योंकि अब आपका डाटा अंडर फ्लो जा रहा है। इसकी हम कोड की बात कर लेते हैं। कोड में हम क्या करेंगे, आप एक स्टैक की आपके पास क्लास है, उसके अंदर आपने कोई एक फंक्शन कुछ आपके पास वेरिएबल है, यानी आपने एक अरे बनाई है उसका साइज है, कोई टॉप का वेरिएबल है, पब्लिक के अंदर आपने कुछ फंक्शन लिखे हैं। अच्छा, जो उसका कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर आपने हमेशा टॉप के अंदर -1 रखवा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पुश का फंक्शन है, पुश का फंक्शन क्या कर रहा होगा, एक कोई ना कोई वैल्यू ले रहा होगा यूजर से। अच्छा, उससे पहले वो पुश फंक्शन चलाने से पहले वो उसमें से चेक कर रहा होगा क्या हमारा स्टैक फुल तो नहीं है, अगर फुल होगा तब हम उसके ऊपर पुश नहीं कर सकते। ये बात याद रखिए, अगर आप पुश करने की कोशिश करेंगे जब आपका स्टैक फुल होगा तो आपको वो कहेगा कि जी आप पहले उसमें कुछ रिमूव करें तो फिर ही आप उसके ऊपर कुछ रखवा सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें आप क्या कर रहे हैं कि टॉप के अंदर ++ करवा रहे हैं और अरे के उस इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखवा रहे हैं। पॉप में क्या कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं स्टैक आपका एम्प्टी तो नहीं है, यानी टॉप अगर आपका -1 के बराबर हो गया तो इसका मतलब है आपका स्टैक एम्प्टी है, तब आप पॉप नहीं करवा सकते उसमें से, वरना अदरवाइज आप उसमें से जस्ट वैल्यू को सी आउट कराएं और टॉप में से -1 करते हैं। डिस्प्ले का सिंपल आप उसको डिस्प्ले करा रहे हैं और मेन वही आपने एक रे बनाई है यूजर्स इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखवा रहे हैं। सो इस कोड को हम रन करके देखते हैं अभी थोड़ी देर तक, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। अच्छा, एप्लीकेशन की बात कर ले अगर हम स्टैक की, तो स्टैक बड़ी जगहों पे यूज़ होता है,
जिस तरह अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल की बात करें तो जो आपके पास फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो फंक्शंस हैं वो जो फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है वो आपकी स्टैक की मदद से हो रही होती है। मतलब मेन का एक फंक्शन था, उस मेन के फंक्शन के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन को कॉल किया है, और उस फंक्शन के अंदर लेट्स मेन के अंदर आपने ए फंक्शन है उसको आपने कॉल किया, उस ए फंक्शन के अंदर आप बी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है ये आपकी जाके स्टैक के ऊपर सेव हो रही होगी। तो जो सबसे लास्ट में जो फंक्शन कॉल हुआ होगा, यानी मेन के अंदर आपने ए को कॉल किया, ए के अंदर बी को कॉल हुआ, बी ने सी को कॉल किया, तो लास्ट पे जो कॉल हो रहा है वो है सी वाला फंक्शन। तो सबसे पहले सी वाली की फंक्शन की वर्किंग चलेगी, जब वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा तो वो स्टैक से बाहर आ जाएगा, जब वो स्टैक से बाहर आएगा तो पीछे बी वाले फंक्शन की जो फंक्शन कॉलिंग थी वो कंटिन्यू होगी, यानी वो फंक्शन की वो रूटीन चलेगी, जब वो अपना काम खत्म कर लेगा वो भी स्टैक से बाहर आ जाएगा, ए पे आएगा, ए वाला अपना काम खत्म करेगा, फिर वो मेन पे आएगा। तो ये जो फंक्शन की जो कॉलिंग होती है वो भी हम स्टैक के ऊपर करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन फिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स ऑपरेशन के अंदर, ये एक्सप्रेशन के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल के अंदर। फिर एंड पे वो कहता है कि अगर आपने एक अरे को रिवर्स करना हो तब भी आप स्टैक की मदद ले रहे होते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स जो ऑपरेशन है उनको हम देख लेते हैं। इनफिक्स ऑपरेशन क्या है, हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके दरमियान, जिसमें ऑपरेटर्स के दरमियान कोई सॉरी ऑपरेंट्स के दरमियान कोई ऑपरेटर होता है। मतलब आपके पास मैं कहूँ ए और जो बी है, ये आपके पास कुछ ऑपरेंट्स हैं, इनके दरमियान में कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जिस तरह प्लस का साइन है। तो इसको जो हमारे पास जो सिंपल एक्सप्रेशन होती है उसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसके ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेटर जो है वो किसी ऑपरेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो इनफिक्स कहलाता है। पोस्टफिक्स क्या होता है, इसके अंदर जो आपके पास ऑपरेटर होता है वो आपका ऑपरेंट के बाद प्लेस होता है, यानी पहले आप ऑपरेंट्स लिखेंगे सारे, उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे उसको ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो जो पोस्टफिक्स हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं इसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं होती हमारे पास, इसमें तो हो सकती है हमारे पास पैरेंथेसिस, लेकिन इसके अंदर हम पैरेंथेसिस यूज नहीं करते। और ये कहाँ पे एक्सप्रेशन यूजफुल होती है, कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप इन एक्सप्रेशन को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कि किस तरह बनती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें पोस्टफिक्स के अंदर तो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, उससे पहले वो कह रहा है कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होती है, प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस पे इसके लिए क्या है, कुछ वैल्यूज होती हैं। मतलब अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी आ जाए मल्टीप्लाई भी आ जाए तो आपने कौन सा फंक्शन पहले, यानी कौन सा काम पहले करना है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है। ये मैथ का रूल है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है किससे, प्लस से। मतलब बी मल्टीप्लाई सी पहले होगा, उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप प्लस कर रहे होंगे ए के साथ, ठीक है। यानी इसको अगर हम अगर ये काम हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर करना हो, सी के अंदर करना हो, तो आप क्या कर रहे होंगे, ए प्लस पैरेंथेसिस लगा दी। अब पैरेंथेसिस वाला काम पहले ही हो रहा होगा, साफ सी बात है, पहले ये काम होगा फिर उसको आप उसमें ऐड कर रहे होंगे। अगेन मैंने आपको बताया कुछ प्रेसिडेंस होती है, ये इसका आपको चार्ट मिल जाएगा, आप नेट पर सर्च कीजिएगा आपको चार्ट मिल जाएंगे, उसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑपरेटर्स होंगे और जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, पहले काम कंप्लीट होगा। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास इनफिक्स की एक एक्सप्रेशन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में। सबसे पहले काम क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी। तो अगर हम इसका पोस्टफिक्स निकालें तो पोस्टफिक्स में हम ये कह रहे थे कि जो ऑपरेटर है वो हमारा ऑपरेंड के बाद आएगा, यानी बी सी फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यानी बी सी फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, अब इसको हम कन्वर्ट करें तो अब ये प्लस हमारा कहाँ पे आना चाहिए, ये अब हमारा लास्ट पे आना चाहिए। तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी ए बी सी मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो एंड पे ये पैरेंथेसिस खत्म होगी, तो हमारे पास बन गया ए बी सी मल्टीप्लाई
तो पोस्टफिक्स का रोल यही है कि जैसे ही आपके पास कोई इन्फिक्स की ऑपरेशन आए, तो आपने जो आपका पास होगा ऑपरेटर होगा वो अपने ऑपरेंड के बिल्कुल लास्ट पे लगाना होता है। अब वो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा है कि जी ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी है, तो आप पहले पैंथेसिस लगे, पैंथेसिस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो अब आप ए और बी को कर रहे होंगे, उसका फिर जो ऑपरेटर होगा वो एंड पे लगाएंगे, फिर सी के साथ उसको करेंगे और सी का जो ऑपरेटर होगा उसको एंड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का बन रहा होगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। अच्छा, वो कह रहा है जो आपके पास जो भी ऑपरेटर होगा ना एक्सप्रेशन के दरमियान, यानी जो भी ऑपरेंड के बाद जो भी ऑपरेटर आएगा वो हमेशा पिछले दो ऑपरेंड के ऊपर लागू होगा। किस तरह? अगर आप इसमें गौर करें, ए बी के बाद जो प्लस आया, अब ये जो प्लस है ये ए और बी के लिए है सिर्फ, ठीक है, उन्हीं पे लागू होगा। फिर उनका जो रिजल्ट आएगा ये जो मल्टीप्लायर उस पे और सी पे फिर लागू होगा। तो जो आपके पास ऑपरेंड जो ऑपरेटर होता है वो पिछले दो ऑपरेंड के ऊपर आप यूज करते हैं। कह रहा है जैसे ही आप कोई ऑपरेंड को रीड करते हैं आप उसको स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप किसी ऑपरेटर पे पहुंचते हैं आप क्या करते हैं, स्टैक में से दो वैल्यू को पॉप करते हैं और उन दोनों के ऊपर वो ऑपरेटर की वैल्यू ऑपरेटर लगाते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता है आप दोबारा से स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। अगर स्कोर की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह क्या है कि आपने कुछ वैल्यू ली, आपने चेक किया कि अगर वो ऑपरेंड है तो आप क्या कर दें, पुश कर दो स्टैक के ऊपर। अगर वो ऑपरेटर है तब आप क्या करो, स्टैक में से दो चीज़ों को पॉप करो, और ये दो चीज़ों को आपने पॉप किया, इन दोनों के ऊपर आपने वो ऑपरेटर लगाया और फिर उस जो रिमेनिंग वैल्यू को उसको दोबारा से आपने पुश कर दिया। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मैंने हमारे पास वैल्यू है 6 2 3 प्लस माइनस 3 8 2 डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई। इसको अगर हमने स्टैक के ऊपर स्टोर करा के रन करके देखना तो हमारे पास किस तरह रन होगा, पहले सबसे पहले आपके पास 6 आया, ठीक है, 6 को आपने स्टैक के ऊपर पुश करा दिया, फिर आपके पास 2 आया आपने स्टैक के ऊपर पुश करा दिया, फिर आपके पास 3 आया आपने स्टैक के ऊपर पुश करा दिया। अब अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है कोई ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर आया, अब आप उसको स्टैक पे पुश नहीं कराएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप स्टैक पे जो आखिरी दो वैल्यूज होंगी उनको आप पॉप करेंगे। लास्ट पे हमारे पास दो वैल्यूज थी 3 और 2, इन दोनों को आपने क्या किया, पॉप किया, दो अलग-अलग वेरिएबल में रखवाया, उनके ऊपर फिर इस फंक्शन को लगाया, इस ऑपरेशन को लगाया, ऑपरेटर को बेसिकली, मतलब 2 प्लस 3 के आगे पर जो रिजल्टेंट आया उसको आपने स्टैक के ऊपर पुश करा, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टैक बन गया वो 6 और 5 है, उसके बाद हमारे पास क्या आया, एक और ऑपरेटर आया माइनस, उसको हम उसके ऊपर तो स्टैक के ऊपर तो पुश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज को गेट करेंगे जो आखिरी दो स्टैक के ऊपर वैल्यूज होंगी, यानी 6 और 5 को गेट किया आपने, उसमें से इस ऑपरेटर को यूज़ किया, जो भी वैल्यू आई आपने स्टैक के ऊपर पुश कर दी। फिर आपके पास 3 आया, 3 कोई ऑपरेटर नहीं है ऑपरेंड है, आपने उसको पुश कर दिया, फिर 8 आया अगेन पुश हो गया, 2 आया पुश हो गया, अब आपके पास डिवाइड आ गया। अब आपने जब डिवाइड करना है तो अब आपने अगेन स्टैक में से जो लास्ट 2 आपके पास होंगे ऑपरेंड्स होंगे उनको आप गेट करेंगे, उनके ऊपर उनको डिवाइड करेंगे और जो उनका रिजल्ट आएगा अगेन उसको पुश करेंगे स्टैक पे। तो हमने 8 और 2 को डिवाइड किया, रिजल्ट 4 आया, 4 को हमने पुश कर दिया स्टैक पे। अब डिवाइड के बाद फिर प्लस आया, प्लस पे आपने क्या करना था, 3 और 4 को प्लस करना था, जो भी रिजल्ट आएगा पुश कर देंगे, हमारे पास 7 रिजल्ट आया, हमने पुश कर दिया, लास्ट पे हमारे पास मल्टीप्लाई रह गया था तो 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आपका जो रिजल्ट 7 ही आ गया। तो इस तरह आप किसी भी एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर रन करते हैं किसकी मदद से, स्टैक की मदद से। अच्छा, अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें स्टैक को, अरे में हमारे पास क्या लिमिटेशन थी, अरे में सबसे बड़ी लिमिटेशन अगेन हमारे पास साइज़ की होती है, और कि हम जितना हमारा स्टैक बन जाएगा उससे ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम जितना मर्जी चाहें हम आप इंसर्ट करा सकते हैं, यानी जितने मर्जी वैल्यूज़ को हम पुश करवा सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं। इसके अंदर आपके पास वो नहीं आया एरर आएगा कि जी आपका जो साइज़ है वो कम्प्लीट हो चुका है, अब आप उसके ऊपर पुश नहीं करवा सकते, आप जितना मर्जी इसके ऊपर पुश करवाते हैं।
और जैसे ही आपने कुछ पुश करवाना है, अगेन लिंक लिस्ट के अंदर आपको हमेशा स्टार्ट से उसको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। अच्छा, सिंगल एक्सक्यूट पर आपने क्या करना है, इंसर्ट एड स्टार और एंड स्टे कॉन्स्टेंट टाइम यूजिंग द हेड एंड करंट पॉइंट। ठीक है, अब वो आपके पास कॉन्स्टेंट टाइम ले रहा होता है। अच्छा, वो कह रहा है रिमूविंग एट एन एलिमेंट एट द स्टार्ट इज कॉन्स्टेंट बट रिमूवल एट द एंड रिक्वायर्ड ट्रेवर्सिंग द लिस्ट टू द नोड वन बिफोर द लास्ट। ये वही हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो हम लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ते हैं कि अगर आपने शुरू से करना हो किसी भी नोड को डिलीट, तो वो तो ईजी है, जस्ट आप हेड को आगे मूव करें और पिछली वैल्यू को डिलीट करते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट तक वैल्यू को कुछ डिलीट करना है, तो आपको पूरा वो ट्रेवर्स करनी पड़ती है लिंक लिस्ट। अच्छा, हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रहा है। अब वो कह रहा है जी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्टैक है ना वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट पे, लेकिन हम पुश जो कर रहे होंगे वो हेड के पास पुश कर रहे होंगे। उससे होगा क्या जी, हमें पूरी ट्रेवर्स नहीं करनी पड़ेगी नोड्स। ठीक है, अगर हम बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं टू के बाद किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहता हूँ ना, तो मुझे पूरा पहले 1 से 7 पे, 7 से 5 पे, 2 पे, फिर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हेड से पहले एक स्टेप पे पुश करवाई जा रहे हैं। देखें ज़रा, आपके पास ये लिंक लिस्ट बनी हुई थी 1 7 5 2, तो जो आपकी टेल है वो हमेशा लास्ट पे है। 2 पहले इंसर्ट कराया, फिर 5, फिर 7, फिर 1, यानी हम लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे इंसर्ट करवा रहे हैं। अगर हमने अब उसमें से कुछ पॉप करना है, तो आप क्या करें, हेड गेट कर लें, यानी हेड गेट का ये जो फंक्शन है बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जो वैल्यू पड़ी हुई हेड के अंदर वो आपने एक्स के अंदर ले ली, आपने एक पॉइंट बनाया, पीस को हेड के इक्वल किया और हेड को एक स्टेप आगे लेके, यानी 1 से वो 7 पे आ गया, आपने पी को डिलीट कर दिया और वो वैल्यू को रिटर्न करा दिया जिसको आपने डिलीट किया। जस्ट सिंपल सा आपका पॉप का फंक्शन है। इसी तरह अगर आपने पुश करना होगा, तो आप एक नई नोड बनाएंगे, उसको उसकी वैल्यू सेट कराएंगे और उसके जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप जो होगा वो हेड को रखवा देंगे और हेड को पीछे एक मूव कर देंगे, तो आपके पास नई वैल्यू पुश हो जाएगी। टॉप अगेन आपने जो हेड की जो वैल्यू उसको गेट कर लें वो आपका टॉप है। तो जितने भी आपके पास ऑपरेशंस होंगे अब इस लिंक लिस्ट के अंदर, वो कांस्टेंट टाइम ले रहे होंगे। उस केस में जब आप पुश और पॉप लिंक लिस्ट के स्टार्ट में करवा रहे हैं, अगर आप वही लिंक लिस्ट के एंड पे कराने लगेंगे, तब वो आपके पास कांस्टेंट टाइम नहीं लेगा, फिर आपको सारा कुछ ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप हमेशा हेड पे उसको इंसर्ट करा रहे हैं। अच्छा, अब हम कोड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कोड को देख लेते हैं अरे और लिंक लिस्ट की मदद से। सबसे पहले हम अरे की मदद से देखते हैं कि अरे की मदद से अगर हमने इसको करवाना हो तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होंगे। अगेन मैंने एक स्टैक नाम की एक अरे बनाई, टॉप में मेरे पास सबसे पहले -1 पड़ा हुआ है, कुछ फंक्शन है मेरे पास, पुश का एक फंक्शन है, इस फुल का, इस एम्प्टी का और पॉप का फंक्शन है। पुश क्या कर रहा है जी, आपकी कोई ना कोई वैल्यू को इंसर्ट कर रहा होगा। आप सबसे पहले इस फुल देखेंगे क्या आपका जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। अच्छा, इस फुल के फंक्शन में आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्टैक मैंने बनाया है 5 का, यानी अरे मैंने 5 की बनाई है, तो जो हमारे पास लास्ट जो होगा इंडेक्स होगा 4 होगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरा टॉप कहीं 4 तक पहुँच तो नहीं गया, अगर वो 4 तक पहुँच जाएगा तो रिटर्न ट्रू करा दो, अदरवाइज एल्स में क्या कराओ, फॉल्स करा दो। तो यहाँ पे अगर वो मुझे 4 रिटर्न करा देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा जी स्टैक मेरा ओवरफ्लो हो गया, अदरवाइज मैं कहूंगा जी टॉप के अंदर आए, एल्स में आए, टॉप जो हमारे पास एक वेरिएबल था उसके अंदर इंक्रीमेंट करें। तो अभी हमारे पास -1 था, जब आप उसमें प्लस प्लस करेंगे तो टॉप के अंदर 0 हो जाएगा, फिर जो आपके पास जो वैल्यू है जो यूज़र दे रहा है उसको उठाओ और स्टैक के टॉप में रखवा दो, यानी टॉप इस टाइम 0 हो, तो यानी 0 वाले इंडेक्स पे आप जाके वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे। इस तरह ये फंक्शन को आप कॉल कर करेंगे। अच्छा, इस एम्प्टी का बेसिकली क्या है कि अगर आपका टॉप -1 के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, आप इसके ऊपर दोबारा से पॉप को कॉल नहीं कर सकते। तो पॉप के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप इस एम्प्टी को पहले चेक कर रहे हैं कि अगर वो एम्प्टी हो ट्रू हो जाती है, तो आप इसके ऊपर दोबारा से पॉप नहीं कॉल कर सकते, आप कह दें जी अंडरफ्लो हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर एल्स में आप क्या करें कि स्टैक का वो जो टॉप वाला जो वेरिएबल जो भी इंडेक्स है उसके अंदर आप नल रखवा दें और टॉप को माइनस माइनस कर दें, तो इससे क्या होगा, वो आपकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। डिस्प्ले में आप जस्ट अपनी जो एरे है उसको डिलीट करा रहे हैं। पीक बेसिकली क्या है, वो जस्ट आपको टॉप की जो वैल्यू है ना, जो टॉप पे जो सबसे ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, स्टैक पे जो ऊपर वैल्यू पड़ी है, वो आपको शो करा रहा है।
तो इसको हम चला के देख लेते हैं। और ये मेन के अंदर वो मैंने जस्ट उन फंक्शन को कॉल किया, वैसे उसकी इफ एल्स लगा दी। अच्छा इसको मैं रन कर लेता हूँ। बहुत इजी है, जस्ट आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि पुश के अंदर आपने हमेशा टॉप के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाना है। जो हमारा पॉप का पॉप के फंक्शन के अंदर हमने उस जो हमारे पास है टॉप, उसको हमने डिक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन अगर आपको याद रहेंगे तो आपके लिए स्टैक कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा इसमें अब वो क्या कह रहा है, हमारे कुछ ऑप्शन हैं। वो कह रहा है पहले वैल्यू इंटर करें, हम कुछ वैल्यू इंटर कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 45, फिर वो पूछता है कंटिन्यू करना है, यस। दोबारा से मैं कोई वैल्यू रखवा रहा हूँ 34 23, फिर यस 60, सॉरी ऑप्शन 1 67, यस ऑप्शन 1 मैंने रखवा दिया 33। अच्छा अब ये मैंने वैल्यू रखवा दी, अब मैं चाहता हूँ इसको डिस्प्ले करना, ठीक है। तो याद रखेगा जो लास्ट वैल्यू मेरे पास वो क्या है 33, तो ये 33 जो है मेरे पास ये स्टैक के टॉप पे होना चाहिए हमेशा। अगर मैं इसको कराऊं डिस्प्ले 3 पे, देखें 33 मेरा टॉप पे है, फिर 67 है, फिर 23 और 45 एंड पे, यानी जो 45 जो मैंने सबसे पहले इंसर्ट कराया था वो अब स्टैक के बिल्कुल एंड पे, ठीक। अगर मैं इसको कहता हूँ जी मुझे पीक की वैल्यू बताओ, पीक बेसिकली क्या है मेरा टॉप पे जो वैल्यू है वो क्या है 33 है, तो वो मुझे अब देगा वैल्यू आएगी 33, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसके ऊपर कुछ पॉप, पॉप यानी डिलीट करता हूँ। अब पॉप करते हैं तो लेट को मैंने 2 किया, वो तो कहेगा जी आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो मैंने डिलीट कर दी है। अगर मेरे पास जो स्टैक में वैल्यू पड़ी थी 33 67 23 45, तो जब मैं पॉप कॉल करूँगा तो जो टॉप के ऊपर जो सबसे वैल्यू पहले वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी, यानी 33 इसमें से रिमूव हो जाना चाहिए, तो पीछे रहने जाने 67 23 45। अगर मैं अब इसको डिस्प्ले करूँ 67 23 45, ठीक है। अगेन मैं दोबारा इसमें से डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, फिर मैं दोबारा डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। अब मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैं अगर मैं देखूँ तो अभी भी एक वैल्यू रहेगी। अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है, अब सब वैल्यूज इसमें से आपके स्टैक में से निकल गई। अब मैं दोबारा से इसके अगर इसको मैं डिस्प्ले कराऊँ, स्टैक एम्प्टी हो चुका है, लेकिन अगर मैं इस पर दोबारा से पॉप को कॉल करूँ यानी डिलीट करना चाहूँ, तो वो मुझे एरर देगा, वो मुझे कहेगा स्टैक अंडरफ्लो है, यानी आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें से पड़ा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको इजी से फंक्शन है स्टैक के पुश और पॉप। अगर मैं इसकी लिंक लिस्ट में बात करूं, तो लिंक लिस्ट में अगेन आपको एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके उसके अंदर आपके पास कुछ डेटा का पार्ट है और कुछ नेक्स्ट का पार्ट है। ये लिंक लिस्ट आपको लिंक लिस्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरह मैं दी, तो वो होपफुली आपको आती होगी। मैं जस्ट आपको पुश और पॉप के फंक्शन दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपने स्टैक की क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, उस नोड के अंदर कोई वैल्यू रखाएंगे और उसके नेक्स्ट को इक्वल कर देंगे टॉप के। टॉप इसके लिए हमारा हेड है, ठीक है, उसको इक्वल कर दिया हेड के, फिर हेड को पीछे टेम्प पे ले, तो आपके स्टार्ट पे एक वैल्यू पुश हो जाएगी। पॉप करना होगा तब आप उसमें से टॉप में से उस डाटा को क्या कर देंगे, प्रिंट करवाएंगे और फिर टॉप को एक स्टेप आगे ले जाएंगे, इन हेड को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। बाकी सेम काम है हमारे पास। अच्छा इसको देखने से पहले हम मेन में देख लेते हैं। मेन में मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज को पुश कराया, पहले मैंने 10 को कराया 23 30 34 56 2, तो लास्ट पे मेरे पास 2 पुश हुआ है, तो जो स्टैक के ऊपर जो टॉप पे होगा वो हमेशा मेरे पास क्या होगा जो 2 होगा। उसके बाद मैंने पॉप को फंक्शन कॉल किया, तो पॉप अगेन स्टैक के जो फ्रंट पे जो सबसे ऊपर जो टॉप पे जो वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा, तो 2 रिमूव हो जाएगा। पीछे ये मेरे पास कुछ आपके पास जो लिंक लिस्ट की नोट्स रहेगी। तो इस तरह आप जितनी दफ़ा मर्जी इसके ऊपर पॉप कॉल करें, पुश कॉल करें, तो वो आपको वैल्यूज डिस्प्ले करता जाएगा। तो स्टैक बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आपने जस्ट आपको पता होना चाहिए कि स्टैक होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, यूज़ कहाँ पे होता है, कुछ इसकी जिस तरह के हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं उसके अंदर यूज़ होता है, और फिर इसके अंदर जो दो मेजर फंक्शंस हैं आपके पास, एक आपके पास है जी पॉप का और एक पुश का। पॉप के अंदर आप डिक्रीमेंट करते हैं टॉप के अंदर, और पुश के अंदर आप
जो आपके पास टॉप है उसके अंदर आप इंक्रीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये स्टैक वाला जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया।